क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। आशुतोष, गौतम गंभीर जो है वो खबरों में है कि वो टीम इंडिया के नए जो है कोच आ रहे हैं जी, तो क्या लगता है आपको? देखिए, गौतम गंभीर का जो माइंडसेट है वो ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट से मैच करता है। जिस तरह के एग्रेशन है क्रिकेट में वही चाहिए। देखिए, हम देखते आ रहे हैं बहुत साल से, रवि शास्त्री थे, फिर राहुल द्रविड़ है, तो वही दो तीन प्लेयर पे डिपेंड होना, उसके बाद डीप ले जाना, स्लो खेलना, या प्रेशर आते ही प्रेशर में आ जाना, तो थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से गौतम गंभीर ने लखनऊ के साथ किया या केकेआर के साथ उन्होंने चेंज किया, तो उनका जो गेम को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो काफी बेटर है और मुझे लगता है वो काफी बेहतर करेंगे। और क्या लगता है, विराट और उनकी बनेगी? क्यों नहीं बनेगी वो? देखिए, उन्होंने कई बार खुद भी कहा है कि ये सब केवल ऑन ग्राउंड है और ग्राउंड के बाहर वो अच्छे दोस्त हैं, और क्यों नहीं बनेगी? वो एक ग्रेट प्लेयर हैं और वो एक अच्छा कोच साबित होंगे, तो बिल्कुल बनेगी। लगता है अगला वर्ल्ड कप जिता देंगे गौतम गंभीर? अब गौतम गंभीर तो अपनी कोशिश, कोई भी कोशिश कर सकता है, प्लेयर तो खेलते ही है। जिस तरीके से पिछला वर्ल्ड कप रहा है, सारे प्लेयर्स फॉर्म में थे, लेकिन कुछ प्लस माइनस हो जाता है जिसमें, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि गौतम गंभीर का जो माइंड सेट है उस तरीके से लगता है कि हाँ, वो काफ़ी अलग करेंगे इस बार, और उम्मीद है कि वो इस बार वर्ल्ड कप या जितने भी दिन वो कोच करेंगे तो काफ़ी वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजू यादव है। राजीव, कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर जो है वो इंडियन टीम के नए कोच आ सकते हैं, क्या लगता है? कोच तो वो काफ़ी बढ़िया होंगे, बट कुछ कंट्रोवर्सीज भी चलती हैं उनमें और कोहली में, वो देखने वाली बात है कि कैसे एडजस्ट होगा। बाकी कोच तो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी केकेआर को भी जो है ट्रॉफी दिलाई है, तो इस पर्सपेक्टिव में उनका रिजल्ट अभी सामने ही है। तो लगता है कि जैसे उन्होंने आईपीएल जिताया वैसे वो वर्ल्ड कप भी जिता देंगे? अब जिता तो सकते हैं, क्योंकि इस मामले में कोचिंग, तो कोचिंग के मामले में तो बढ़िया, फिर बात हमारे प्लेयर्स पे भी आती है कि वो चीजों को कैसे मैनेज करते हैं, ऑन द ग्राउंड उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। राहुल द्रविड़ से बेहतर रहेंगे लगता है? राहुल द्रविड़ से अब ये तो रिजल्ट्स बताएंगे, पहले से क्या अज्यूम करना। क्या नाम है भैया आपका? हाय, मैं राजीव सिंह। राजीव, गौतम गंभीर जो है वो न्यूज, इस वक्त न्यूज में है कि वो इंडिया के कोच आ सकते हैं, इंडिया टीम के, तो आपको क्या लगता है बेहतर कोच साबित होंगे राहुल द्रविड़ से? हाँ, मेरे हिसाब से ठीक ही है, जैसा केकेआर में उनका परफॉर्मेंस रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ होना चाहिए, और वैसे भी चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, तो उस हिसाब से थोड़ा होना चाहिए कि हाँ ठीक ही है, मतलब कोचिंग भी और जैसा माइंडसेट है उनका, हम लोग कमेंट्री में भी सुने ही है उतना, मतलब लगभग, बाकी वैसा अब क्या ही बोलूं मैं सही में। उन्होंने केकेआर को आईपीएल जिताया है, तो आपको लगता है अगला वर्ल्ड कप जिता सकते हैं इंडिया? हाँ, हम तो यही चाहेंगे कि आना चाहिए, जैसे वो कहीं को फिर से कप दिला के वर्ल्ड कप में भी जीतना चाहिए, जैसे फाइनल में हार रहा है, सेमीफाइनल में हार रहा है, तो कुछ चेंज होकर ही अगर आ जाए कप तो हम लोग को तो कप से मतलब है। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम आर्यन भारद्वाज हुआ। आर्यन, अभी खबरों में है कि गौतम गंभीर जो है वो इंडिया के नेक्स्ट कोच आ सकते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, तो क्या ओपिनियन है आपका, वो राहुल द्रविड़ से बेहतर रहेंगे? दोनों अपने अपने जगह सही हो सकते हैं, उन्होंने अपने दौरा किया जो सही किया, गौतम भी अब अच्छे हो सकते हैं, आईपीएल में उन्होंने हाल ही में आईपीएल ट्रॉफी जिताया केकेआर को, और लखनऊ के साथ ही उनका 2 साल प्लेऑफ में उन्होंने टीम को पहुंचाया, तो हो सकते हैं वो भी अच्छे करें भारतीय टीम के साथ और एक वर्ल्ड कप शायद दिलवा पाएं भारत को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल, गौतम गंभीर जो है वो इंडिया टीम के नए कोच आ सकते हैं, तो क्या लगता है? बिल्कुल आने चाहिए, उन जैसा कोच होना चाहिए, जैसे उन्होंने अभी केकेआर को जिताया, उन्होंने अपनी मेंटोरिंग से जिता दिया, अगर इंडिया के कोच होंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी बात होगी, और शायद राहुल द्रविड़ जो है अभी वो रिटायर होने वाले हैं वहाँ से, तो लगता है राहुल द्रविड़ से अच्छा कर पाएंगे, तो उनका खत्म हो रहा ना कॉन्ट्रैक्ट, तो नया कोच आएगा कोई, तो गौतम गंभीर क्यों नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मोहित सिंह। मोहित, आपका क्या ओपिनियन है कि गौतम गंभीर जो है वो आने चाहिए, और कैसे अगर आएंगे तो क्या लगता है क्या बदलाव होगा? जी, उनके आने से लगता है कि भारत का भविष्य जो क्रिकेट टीम में ज़्यादा बेहतर पहले से भी समझ, जैसे कि उन्होंने बहुत से मैच में असफलताएं पाई है, सही लीडिंग नहीं मिली उनको, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में जो भी चीज मतलब कि तनाव थी वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही है समय को देखते देखते, तो लगता है जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल जिताया है केकेआर को, वो इस तरीके से वर्ल्ड कप भी जिताएंगे अगले इंडिया को? जी, अगर सच में रणनीति अपना के सकारात्मक तरीके से अगर रणनीति बना के खेला जाए तो वो जिताने में कामयाब हो सकते हैं। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज 18 के लिए।